वेन आई वॉज टेन ही गेव मी हार्पर लीज नावल टू किल अ मोकिंग बर्ड अ रैद न्यू बुक देन तो जब वो दस साल की थी ह फादर गेव हर अवल कौन सी नावल किसकी थी हार्पर ली की नावल थी जो की थी टु किल अ मोकिंग बर्ड एक बर्ड को मांगने की थी तो ये जो थी बहुत ही नई बुक थी जो मार्केट में आई थी जस्ट वन स्टोरी लाइक दैट इज़ इनफ फॉर अ लाइफ टाइम अकॉर्डिंग टू हज़ फादर क्या था कि वो जो बुक की स्टोरी थी वो पूरी लाइफ टाइम के लिए एक सफिशेंट है क्योंकि शायद उस नावल की जो स्टोरी थी जो तु कि टू किल अ मॉकिंग बर्ड वो इतनी दमदार थी कि उससे ज़्यादा अच्छा स्क्रिप्ट नहीं हो सकता आगे चल करके जैसे कि हमने आग, एक छोटी सी स्टोरी भी सुनी है कि जब शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था राइट तो उन्होंने क्या किया था कि जितने भी उनके कार आ, काम करने वाले कारीगर थे उन सबके हाथ कटवा दिए थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जितना खूबसूरत ताजमहल बना है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत दूसरी कोई कलाकृति उस जैसी ही बने तो कहने का मतलब है लाइफ टाइम वर्क है ये कि एक बार कोई काम किया डैट सेट उसके बाद उसका कोई दूसरा ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं तो उनके डैड के अनुसार क्या था ये अकॉर्डिंग टू हर डैड कि लाइक राइटिंग दिस काइंड ऑफ स्क्रिप्ट इज़ इनफ फॉर द लाइफ टाइम राइट आई सेंस द लॉन्गिंग लॉन्गिंग इन हिम लॉन्गिंग का मीनिंग होता है डिज़ायर तो आई सेंस्ड यहाँ पे जो ऑथर है वो कहती हैं कि आई सेंस्ड मैंने फील किया था कि वो इतने डिज़ायरेबल थे कि सम डे वो ऐसी स्क्रिप्ट लिखे कि उनकी उस स्क्रिप्ट पे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बने और वो लॉन्ग लाइफ उसके लिए क्या किया जाए हमेशा याद किया जाए राइट ही हैड अ बॉडी ऑफ वर्क बाई देन बट अ बिग हिट एल्यूडेड हिम

उनको क्या हुआ वह हमेशा इस चीज़ को लेकर के सोचते थे ही एवरी टाइम थिंक अबाउट इट एंड ही वॉन्ट टू डू द सेम वर्क बट ही वॉज नॉट एबल टू एस्केप फ्रॉम सच काइंड ऑफ थिंग कुछ ऐसा हुआ था कि वो से बच नहीं पाए राइट सो यहाँ पे वो कहती हैं कि द नॉवल हार्ड एंड ग्र ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मी जो नावल उन्होंने रीड की जो उनके फादर ने दी थी एंड शी रेड दैट नावल और उसके बाद उनके ऊपर एक उनका ग्रेट इम्पैक्ट हुआ था अकॉर्डिंग टू द राइटर डैडी वॉज टोटली राइट हार्पर ली नेवर रोट अनदर नावल उन्होंने कभी भी दूसरी नावल ही नहीं लिखी बट दिस नावल दिस सिंगल नावल बिकम लेजेंड है ना वो क्या बन गई थी लेजेंड बन गई थी समर नाइट्स डैडी वुड रीगल अस विद टेल्स अबाउट द फिल्म शूट्स ही वॉज अ गुड मेमिक विथ हिस रेडियो स्टार्स वॉइस एंड वॉज एन एक्सेलेंट एक्टर हिमसेल्फ एंड आई वुड साई वॉट अ वंडरफुल थिंग इट इज़ टू बी अ राइटर तो समर नाइट समर नाइट्स का मतलब होता है कि गर्मी की रातों में आप लोग समर सीजन अच्छे से जानते हैं तो गर्मी की रातें क्योंकि बहुत लंबी होती हैं अर्लियर वॉट वॉज द सीन कि हम लोग क्या करते थे सब खाना खा के बैठते थे और उसके बाद बड़े जो बुजुर्ग होते थे वो कहानियाँ सुनाते थे राइट अलग अलग हमको इस तरह से एंटरटेन करते थे बट नाउ अडेज वी आर हैविंग एप्शन सम आर एंगेज विद टेलीविजन सम आर एंगेज विद मोबाइल फ़ोन मोस्टली भी ऐसी कि वी ऑल आर एंगेज विद अवर मोबाइल फ़ोन है ना बट जब पहले ऐसा नहीं था पहले क्या था समर्स में क्या करते थे बच्चे मतलब अपने ग्रैनीस के साथ अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा इंजॉय करते थे और उस समय उनके पेरेंट्स और ग्रैनीज क्या करते थे उनको स्टोरी सुनाया करते थे टू गिव देम सम मॉरल टू लर्न दम सम एथिक्स राइट तो यहाँ बात आ रही है समर नाइट्स की तो समर नाइट में क्या हुआ कि डैडी बुड रीगल रीगल मतलब एंटरटेन करना राइट अस विद टेल्स अबाउट द फिल्म शूट टेल्स मतलब होता स्टोरीज़ तो यहाँ पे समर नाइट में उनके डैडी क्या करते थे उनको एक शॉर्ट स्टोरीज़ सुनाते थे वो फिल्म शूट पे जब भी जाते थे मतलब वो स्क्रिप्ट राइटर थे उनकी स्क्रिप्ट पे एक मूवी बनना स्टार्ट हो गई थी राइट right? तो जब भी वो मॉर्निंग में काम करके शाम को घर आते थे तो गर्मियों में वहाँ के जो मतलब घटनाएं होती हैं कई बार ऐसा भी होता हुआ कि योर पेरेंट्स कमिंग फ्रॉम फ्राम वर्क प्लेस एंड दे विल बी स्टेलिंग यू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स वॉट द अदर पर्सन सेट एंड हाउ दे इन्जॉयड द थिंग्स तो वो क्या करते हैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वैसे ही उनके फादर भी अपना दिन भर का एक्सपीरियंस अपने बच्चों के साथ छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज़ और टेल्स में शेयर करते थे He was a good mimic with his radio star voice and was an excellent actor himself. So, as you know that he was a newsreader in Air India, right? So, he was a good mimicry artist also and himself a good actor also. And I would say what a wonderful thing it is to be a writer or sapse badi baat. जो ऑथर हैं उनको ये लगती थी कि उनके फादर जो है इतने अच्छे स्क्रिप्ट राइटर है उसके अलावा उनमें ये सभी क्वालिटीज़ भी अवेलेबल थी राइट मूविंग टूवर्ड्स द अनदर पैराग्राफ ऑन संडेज एंड हॉलीडेज आई वुड गो टू द एटिक वेयर आई हाइड माई जर्नल एंड राइट एंड स्टोरीज ऑफ माई ओन तो यहाँ पर कहते हैं संडे एंड हॉलीडेज़ को वो कहाँ जाती थी एक ऐसे स्पेस या ऐसे रूम में जाती थी जहाँ पर वो अपने जर्नल को छुपाई रखती थी और जिसमें उन्होंने अपनी एंडलेस शॉर्ट स्टोरीज जो उन्होंने खुद लिखी थी कि उन्होंने लिखी थी द ऑथर है ना उन्होंने खुद लिखी थी वो वहाँ पे छुपा कर रखती थी व्हेन डैडी रोट स्क्रिप्ट्स फॉर तेलुगु प्रोड्यूसर्स दे वुड बी इन इंग्गलिश सो यहाँ पर वो कहती हैं कि डैडी ऑलवेज यूज टू राइट द तेलुगु स्क्रिप्ट बट बेसिकली ही राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज राइट समटाइम्स ही वुड आस्क मी फॉर अ पर्टिकुलर इंग्लिश वर्ड विच विच आइट सप्लाई तो वो कहती हैं कि कभी कभी ऐसा होता था कि डैडी आज मी फॉर फ्यू वर्ड्स पर्टिकुलर वर्ड्स कि यहाँ पे क्या यूज होगा तो एट दैट टाइम वो जो गर्ल थी वो उनको शायद कभी कभी बता भी देती थी माई हार्ट वुड स्वेल विथ प्राइड दैट आई वॉज अ पार्ट ऑफ हिज राइटिंग यहाँ पे वो बहुत प्राउड फील करती थी और ऑनर्ड फील करती थी क्योंकि वो ये सोचती थी कि दैट शी इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ हिज डैडीज राइटिंग क्योंकि उनके डैडी जो लिख रहे हैं समटाइम्स अगर उनको कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स नहीं मिलते थे तो वो बहुत ही प्यार से पूछते थे कि बेटा यू नो अबाउट दिस वर्ड व्हाट वी कैन से इन वन वर्ड तो वहाँ पे वो उनको हेल्प करती थी और फॉर दैट पर्पस शी फेल सो प्राउड फॉर हर ठीक है आगे बढ़ते हैं माय सिस्टर अनुराधा एंड आई स्टडी ड चेन्नई होली एंजल्स कॉन्वेंट अ मोस्ट एक्सक्लूसिव स्कूल विच माई फादर कुड इल अफोर्ड Still, he wanted us to study and speak English well, an entitlement he said to so, she was able to help her uh, daddy just because the both sisters were studying in a good English medium school, whether their father uh, is not able. टू अफोर्ड द फी ऑफ द स्कूल स्टिल दे वॉन्ट कि भाई बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए वो हमेशा कहते थे कि ये इंटाइटलमेंट है यह बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छी एजुकेशन देना राइट देन वन डे आई हर्न माई पेरेंट्स वक्साइटली ऑफ ए ल्यूकटिव ऑफर दैट हैड come to daddy's for a telugu film so one day what happened The parents were discussing about something and they were so excited about that thing and then the girl came to know that they are talking about a new telugu film that it may be a blockbuster and when the film will release on the day they will from the same day they will earn a big amount of money and their poor financial condition may go in a good प्रॉपर वे राइट तो ये इसलिए खुश थे ये लोग एट लास्ट वी वुड बी रिच एंड मॉम हेड प्रोमिस्ड मी अ रेड फ्रॉक सम स्टेशनरी एंड अ न्यू डॉल तो ये तेलुगु फिल्म की वजह से अगर ये ब्लॉकबस्टर होती है तो उनकी फिनेंैंनशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी एंड जस्ट बिकॉज ऑफ़ इट वहाँ पर वो लोग के पास थोड़े अच्छे फिनंशियल कंडीशन हो जाएंगी उनकी इकोनॉमिक जो कंडीशन अभी पुअर है वो अच्छी हो जाएगी एंड देन क्या होगा उन्होंने अपनी मॉम से उनकी मॉम ने उनसे प्रॉमिस किया था कि अगर ऐसा होता है तो शिविल गेट अ रेड फ्रॉक फॉर हर एंड अ डॉल एंड सम स्टेशनरी फॉर हर सो देर वॉज एन एयर ऑफ सप्रेस एक्साइटमेंट इन द हाउस ऑफ ड्रीम्स दैट वेयर फाइनली कमिंग ट्रू तो यहाँ पे जो है घर का माहौल बहुत सूदिंग था बहुत हैपनिंग था एंड द डे एंड देवर ड्रीमिंग दैट देर ड्रीम्स मस्ट कम ट्रू की उनके पापा की वो जो स्क्रिप्ट है वो जो फिल्म है वो एक ब्लॉग बस्टर हो जाए और अभी तकली अभी तक जो वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गो थ्रू हो रहे थे वो एट द एंड उनके फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म हो जाए आइए अब आगे बागे देखते हैं कि स्टोरी में होता क्या है आई हैड अ स्कूल पिकनिक टू गो ऑन अर्ली वन मॉर्निंग द इवनिंग बिफोर डैडी हैड कम होम tired फ्रॉम वर्क बट took मी आउट टू buy स्नैक्स एंड स्वीट्स फॉर द पिकनिक My बास्केट was crammed विद goodies, एंड आई was बर्स्टिंग विद जॉय डैडी set the alarm for 5 in the morning, ironed my clothes for the next day, and went to the bed, so here the author is sharing, ki the next day she have to left, for the picnic from the school, they were going in the morning, so the preparation were going on, at the evening his father, what did what he uh, came home she was very tired uh, by working the whole day and he brings so many snacks and picn uh, and sweets for the picnic and he put them all on the bus in the basket right and he and he

डैडी सेट द अलार्म फॉर फाइव इन द मॉर्निंग डैडी ने क्या किया पाँच बजे का अलार्म सेट कर दिया था ही आयरन हर क्लोथ्स फॉर द नेक्स्ट डे एंड वेंट टू बेड और उसके बाद वो सोने चले गए द नेक्स्ट मॉर्निंग द अलार्म क्लॉक वेंट ऑफ आई गॉट अप बट डैडी डिड नॉट ही पास्ड अवे इन हि स्लीप अने थ्रोम्बोसिस द डॉक्टर एक्सप्लेन आई वॉज थर्टीन माई सिस्टर अनुराधा एट डैडी वॉज जस्ट फोर्टी वन तो यहाँ पे एक बैड सिचुएशन आती है कि डैडी तो अलार्म सेट करके सो गए थे बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अलार्म क्लॉक वेंट ऑफ मतलब अलार्म क्लॉक ने अपना काम किया आई गॉट अप द गर्ल गॉट अप बट डैडी डिड नॉट डैडी उस दिन के बाद कभी नहीं उठे ही पास्ट अवे इन हे स्लीप मतलब वो उस रात को ही उनका निधन हो गया था ही डायड इन हे स्लीप एक्चुअली ही हैड अ क्रॉनिक थ्रोम्बोसिसमिस उनको एक हार्ट अटैक आया था द डॉक्टर एक्सप्लेन आई वॉज थर्टीन शी इज़ टेलिंग दैट एट दैट टाइम शी वॉज थर्टीन एंड हर सिस्टर अनुराधा वॉज एट एंड डैडी वॉज जस्ट फोर्टी वन अलॉन्ग विद हिज बॉडी अवर ड्रीम्स टू वेंट अप इन द फ्लेम्स, एज यू नो दैट इन अवर कल्चर वी burn the body after the death in the same way they did because they were also hindus and according to her as his body burned in the flames their dreams also burnt in the into the flame that they will be rich someday they will be happy someday they will be together someday but nindu rudayalu the तेलुगू मूवी ही हैड स्क्रिप्टिड विद सुपर स्टार एन टी रामा राव इन द लीड हैड सेब्रेट इट्स हंड्रेड डे लेकिन क्या हुआ था जिस निंदू हृदयालु मूवी का नाम है दिस इज़ द नेम ऑफ द मूवी द तेलुगू मूवी जिसका स्क्रिप्ट इन्होंने तैयार किया था और जिसके सुपर स्टार थे एन टी रामा राव जो लीड कैरेक्टर में थे हेड सेलिब्रेटेड हंड्रेड डे मतलब उन्होंने सवा दिन सेलिब्रेट किया था एक जश्न जैसी बात थी कि वो एक सच में ब्लॉकबस्टर मूवी निकली थी द प्रोड्यूसर सेंड सम एडिशनल मनी टू माई मदर फॉर द हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन राइट ऑफ द फिल्म तो उनकी माँ को थोड़ा और पैसा भेजा गया था द मूवी वॉज अ ब्लॉक बस्टर एंड द फर्स्ट इन इट्स जनरेशन ठीक है उस जनरेशन की पहली ब्लॉक बस्टर थी डैडी स्क्रिप्ट बिकम अ रिकरिंग बॉलीवुड थीम थ्री ब्रदर्स सेपरेटेड इन चाइल्ड हुड री यूनाइट एज अडर्स अवेंजिंग देर पेरेंट्स मिस फॉर्च्यून्स सो यहाँ पर है कि जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट डाल दिया था उस कॉन्सेप्ट पे कई सारी मूवीज़ बनाई गई थी रिकरिंग मतलब बार बार उस तरह की सिचुएशन को यूज़ करके कई सारी ऐसी मूवीज़ बनाई गई उसी स्क्रिप्ट पे लगभग तो उनकी जो मूवी का स्क्रिप्ट था वो एक बेस बन गया था उसी बेस को लेकर के कई तरह की अलग अलग लैंग्वेज में कई मूवीज बनाई गई अनदर तेलुगु प्रोड्यूसर हैड विजिटेड अस टू ऑफर हिज कॉन्डोलेंस तो उनकी कॉन्डोलेंस पे एक और तेलुगु प्रोड्यूसर आए थे ही रिमार्क रूफुली दैट माई फादर स्क्रिप्ट फॉर हिम वॉज लेफ्ट हाफ डन तो वो बहुत दुखी से होकर के बोले ही वॉज फीलिंग सो बैड एंड ही सेट कि उन्हों वो भी उस पर भी काम कर रहे थे हिज फादर वॉज वर्किंग सॉरी हर फादर वॉज वर्किंग विथ हिम ऑन द अनदर डिफरेंट तेलुगू मूवी बट नाउ इट इज हाफ डन इट हैज़ नॉट बिन कम्प्लीटेड शी सेट दैट आई नो द स्टोरी है ना आई कुड फिनिश इट फॉर यू शी सेट लाइक दैट ही लुक डेट मी विथ काइंड आईज विथ काइंड आइज द प्रोड्यूसर लुक एट हर एंड आस्ट आर यू श्योर क्या तुम सीरियसली कह सकती हो कि तुम उस हाफ डन मूवी को कम्प्लीट कर सकती हो आई नो डिट उसने सिर हिलाया हु द ऑथर डैडी डिस्कस द ट्रीटमेंट विद मी डैडी हैड डिसकस सम ऑफ द सीन्स एंड हाउ शुड बी द एंड ऑफ दिस मूवी सो आई नो दोरी विच इज़ द हाफ पार्ट ऑफ योर मूवी ही स्माइल एट माई यूज़ ऑफ जार्गन जार्गन का मतलब होता है द वे the girl explained and the gesture her confidence everything so the person the producer liked her confidence like her way of telling and he smiled i completed the script for him and that girl the author completed the half done scripted for him my mother who had been a teacher before the marriage before the marriage she was a teacher right and after the marriage she left the job right but again after the death of her father their father again she went back to support their family we left our beloved home and city moving to my mother's ancestral home in bangalore, hai. Fir wo wahan se chale bangalore. where their mother's maternal home right then as the years rolled by life mended in different directions for anuradha and me so as the टाइम पास ऑन टाइम रोल ऑन इट मैंडर्स मीन्स लाइफ ने बहुत सारे अलग अलग टर्म्स देख इसके लिए द लिटिल वन अनुराधा द यंगर सिस्टर एंड फॉर द एल्डर सिस्टर बोथ बोथ आवर लव फॉर लैंग्वेज एंड द रिटर्न वर्ड स्टूड अस इन गुड स्टीड कहने का मतलब ये है कि उन दोनों को लव फॉर लैंग्वेज था और रिटर्न वर्ड पर जो उनकी कमांड थी वो हमेशा उनके साथ रही थी स्टडीज कंप्लीटेड उन दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी अनुराधा बिकम अ मार्केटिंग प्रोफेशनल राइट वाइल द ऑथर बिकम अ मैथमेटिक्स टीचर राइट एज आई टोल्ड यू दैट अमारा बर्नावी देव वॉज अ मैथेमेटिक टीचर सॉरी इज अ मैथेमेटिक टीचर है ना नाउ वी सोन हैड अवर ओन फैमिलीज एंड चिल्ड्रन टूरेज जैसे कि होता है इट्स अ नेचुरल प्रोसेस कि वो आपको लाइफ के पूरे साइकिल को कंप्लीट करना है तो दे आल्सो हैव देयर ओन फैमिलीज़ एंड दे रेज देयर चिल्ड्रन इवन सो डैडीज अनफिनिश्ड ड्रीम्स लिंगर्ड ऑन स्टिल उनके दिमाग में डैडी का जो अनफिनिश्ड ड्रीम था जो उनकी जो स्क्रिप्ट राइटिंग की जो उनका जुनून था वो अभी भी उनके दिमाग में कहीं कही ना कहीं चलता था बहुत अनुराधा एंड आई कंटिन्यू टू राइट दोनों ही अपनी राइटिंग को कंटिन्यू किया था एंड आई ब्रॉट आउट अ कलेक्शन ऑफ माय पोम्स वाइल मे सिस्टर पब्लिश हर एंथोलॉजी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड नावल तो इन्होंने अमारा बनवी ने क्या किया था कि इन्होंने अपने कलेक्शन को लाया था पोएम के और उनके सिस्टर ने एंथोलॉजी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ लाई थी और साथ में एक नोवेल भी प्रेजेंट की थी या स्क्रिप्ट की थी नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या होता है

700 stories and the competition was really tough yes the judges informed me your story was beautifully told and were well written centered on an organ donation racket it was set in remote tamil nadu village but read sorry but read across the world so the theme of the story is about the ऑर्गन डोनेशन रैकेट मतलब ऐसे रैकेट के बारे में था जो ऑर्गन को जो लोग डोनेट करते हैं उनको क्या करते हैं उनकी तस्करी करते हैं चोरी करके उनको इधर उधर बेच देते हैं तो उस रैकेट uh, के बारे में था जो कि तमिलनाडु के रिमोट एरिया में चल रहा था रिमोट मतलब uh, रूरल एरिया हम कह है सकते हैं तो uh, ये जो था वो केवल वहीं नहीं पढ़ा गया बट ऑल्सो इट हैज़ बीन रेड ऑल ओवर द

जर्नलिस्ट है शी ऑलवेज वॉन्टेड टू राइटर माई यंगर वन शी इज़ ऑल्सो हैविंग मोर डॉटर अ नेम इज दीक्षा शी इज स्टडिंग कंप्यूटर साइंस इज़ ऑल्सो एन आर्ड एंडटर एंड हैज एन एक्टिव क्रिकेट ब्लॉग सो शी इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ राइटर शी इज ऑल्सो राइटिंग बट शी इज मोर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट ब्लॉग राइट द टी टावल एक्सप्लेशन तो उन्होंने एक लिखा है द टी टावल एक्सप्लेशन नाम का एक नॉवल सॉरी ब्लॉग लिखा है जो कि काफ़ी फेमस है आई एम गोइंग टू बी ए क्रिकेट राइटर वन डे और वो हमेशा कहती हैं कौन कहती हैं हमेशा जो यंगर डॉटर हैं द दीक्षा वो कहती है आई एम गोइंग टू बी ए क्रिकेटर राइटर वन डे शी सेज एज ए फिट वेयर ए वार्निंग जैसे कि वह वार्निंग दे रही हूँ लेट मी फिनिश माई इंजीनियरिंग मेरी इंजीनियरिंग मुझे कंप्लीट करने दीजिए फिर देखिएगा आप लोग कि मैं एक बहुत अच्छी क्रिकेट राइटर बन के दिखाऊंगी डैडी पास्ट अवे इन 1970 तो डैडी का जो निधन हुआ ही लेफ्ट नाइनटीन सेवेंटी टू जनरेशन एगो आई सेड ठीक है बट हज सिंगल माइंडेड डिवोशन टू राइटिंग स्किल ग्लोज लाइक अ बेकन अमंग हिज चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन लेकिन आज भी उनका जो स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए जो जुनून था जो लव था वो आज भी दो जनरेशन में कंटिन्यू हो रहा है एनी बन डी कैन डाई कोई भी मर सकता है येट एज आई फिनिश वन मोर पीस दिस स्टोरी यू रेड आई नो समथिंग फॉर श्योर अबाउट डैड हिज राइटिंग नेवर शॉप्ड स्टॉप्ड तो यहाँ पे अगेन द ऑथर वॉन्ट्स टू टेल दैट कि दिस इज ऑल्सो वन शॉर्ट स्टोरी अबाउट माई डैड सो आई नाउ आई रियलाइज एंड आई नो दैट हिज राइटिंग विल नेवर स्टॉप टिल अवर जनरेशन इज़ वर्किंग है ना जब तक उनकी जनरेशन काम कर रही है तब तक वो एंथसियाटिकली जो उनकी स्क्रिप्ट राइटिंग पे वो लोग वर्क करते रहेंगे क्योंकि वो उनके डैडी के कहते हैं ना एक जीन्स में था और वो जीन्स जो है वो अब कंटिन्यू हो रहा है सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी लेट्स गो टूवर्ड्स द वर्ड मीनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन फ्रीलैंस सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर टू वर्क फॉर डिफरेंट कंपनीज तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी एक कंपनी के अंडर ये एम्प्लॉयड नहीं रहते हैं ये क्या करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं एंड दे आर नाउ दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन कि उनको किनके साथ वर्क करना है परस यू टू कंटिन्यू विद ए ल्यूड टू एस्केप फ्रॉम रीगल टू एंटरटेन विथ कॉन्वर्सेशन जैसे कि मैंने आपको ये सारे वर्ड है ड्यूरिंग द एक्सप्लेन बताए हैं मेमिक मतलब होता है इमिटेट इन ऑर्डर टू एंटरटेन और रेडिस्यूल जैसे कि आपने देखा होगा कई मेमिक्री आर्टिस्ट है न जो अपने पुराने हीरोज़ हैं लाइक देवानंद राजेश खन्ना इन सारे हीरोज़ की क्या करते हैं मेमिक्री करते हैं राइट इसके बाद है एटिक एटिक स्पेस और रूम इन साइड और पार्शली इनसाइड द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग कहने का मतलब है एक ऐसा रूम जहाँ पे आप अपनी कुछ ऐसी वैल्यूएबल चीज़ों को छुपा सकते हैं सेफली रख सकते हैं और आप चाहते हैं कि वो किसी के सामने आए ये एक ऐसा स्पेस होता है एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव मतलब हाई क्लास एंड एक्सपेंसिव ब्लॉकबस्ट अ बुक ऑफ फिल्म दैट इज़ वेरी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट द प्रजेंटेशन ऑफ अ सब्जेक्ट बेकन बेकन मीन्स अ लाइट और फायर ऑन द टॉप ऑफ अल दट एक्ट एज अ सिग्नल मतलब ये वर्ड तब लास्ट में यूज हुआ है जब उनकी जो स्क्रिप्ट राइटिंग की जो लाइट है जो फायर है वो उनकी जेनरेशन आगे फॉलो कर रही है सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्ड मीनिंग पार्ट नाउ कमिंग टू वर्ड द कॉम्प्रहेंशन पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज कम्पलीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन डैडी वॉज डैश बिफोर परसुइंग परसुइंगज फ्रीलैंस राइटिंग तो ये येस कोर्स जैसे कि चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं फर्स्ट वन इज एन एक्टर सेकेंड अमिक्री आर्टिस्ट थर्ड अ न्यूज़ रीडर इन एयर एंड फोर्थ एन एडिटर तो ये ही वॉज अ न्यूज रीडर इन एयर नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन द राइटर वॉज एबल टू कंप्लीट द हाफ डन स्क्रिप्ट ऑफ अवर फादर बिकॉज क्यों एबल थी फर्स्ट शी हैड बीन अ गुड राइटर एट दैट टाइम ना बिल्कुल ना शी हैड अ कॉपी ऑफ रफ स्केच ऑफ द स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं हर फादर हैड द प्रेजेंटेशन ऑफ द स्क्रिप्ट विध हर और द हर मदर हैड गिवन हर द कॉपी ऑफ द स्क्रिप्ट तो उनके पापा के साथ उनकी कुछ डिस्कशन हुई थी स्टोरी के बारे में कि किस तरीके से उस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे और एंड होगा तो इसका आंसर है थर्ड वाला हर फादर हैड डिस्कस द प्रेजेंटेशन ऑफ द स्क्रिप्ट विथ हर coming to the question answer part of this lesson as you can see the first question on your screen the first question is what was the name of the narrator's father so, as you know the narrator's father name was nagar koil k padmanabam right the second question is what was the economic condition of the narrator's family So as you all know that they uh, they belong to a middle class family और वो अपने एक्सपेंसिस कै, कैसे बेयर करते थे टू मीट देयर एंड रिक्वायरमेंट्स दे रेंटेड देयर हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ द हाउस उन्होंने अपने घर के आधे पोर्शन को क्या कर दिया था रेंट पे दे दिया था द थर्ड क्वेश्चन इज डैडी वॉज अ वेरी केयरिंग फादर फाइंड आउट द सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर तो येस आप जैसे जानते हैं कि एक सिचुएशन आई थी जिसमें ये बताया कि जब वो सो जाती थी तो डैडी क्या करते थे उनको गोद में उठाकर मम्मी के बगल में ले जाते थे सो दैट इज़ द थिंग कि डैडी क्या करते थे वो एक बहुत ही केयरिंग पर्सन थे स yes. so, तो उसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे कि ऑल दो आई डॉफन डोज ऑफ इन दिस चेयर एंड ही कैरिड मी टू द बेड नेक्स्ट टू मम दिस सेंटेंस शो हाउ केयरिंग हर फादर वॉज जैसे कि मैंने आपको एक हिंदी एक्सप्रेशन दी दिस इज द सेम थिंग विच हैज़ बिन रिटन इन इंग्लिश राइट नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज हाई नो समथिंग फॉर श्योर अबाउट डैड इज राइटिंग नेवर स्टॉप्ड वाई डिड डॉटर से दिस सो इज़ राइटिंग लेगेसी वन टू नेक्स्ट जनरेशन इवन हिज ग्रैंड डॉटर हैज़ फ्लेयर फॉर राइटिंग एंड दो द मैन डाइज इज़ राइटिंग और सर्टेन थिंग्स रिमेन्स इवन आफ्टर द डैथ सो एज यू ऑल नो कि जैसे कि इस पूरे चैप्टर के एक्सप्लेशन में आपने एंड में देखा है कि द राइटर इज़ टेलिंग दैट कि द लेगसी कंटिन्यूज विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो लेगेसी मतलब जो एक जो ग्रैनीस के द्वारा दिया गया एक जनरेशंस के द्वारा दिया गया एक इम्पॉटेंट थिंग होता है एक क्वालिटी होता है एक स्किल होता है right? राइट तो ये स्किल ये क्वालिटी वो कंटिन्यू कर रहे थे थ्रू डिफरेंट जनरेशन है ना अब उनके ग्रैंड डॉटर्स भी क्या कर रहे थे उनका बहुत इंटरेस्ट था राइटिंग में एंड दे आर ऑल्सो राइटिंग इन अ गुड मैनर जैसे कि एक मैंने बताया था कि उनकी जो छोटी बेटी थी वो कहती थी कि लेट मी कम्प्लीट माई इंजीनियरिंग और उसके बाद मैं क्या करूँगी एक अच्छी क्रिकेट व्लॉग राइटर बनूँगी तो ये एक लेगेसी था स्क्रिप्ट राइटिंग इट कैन बी इन डिफरेंट फील्ड है ना राइटिंग केवल मूवीज़ या शॉर्ट स्टोरीज के लिए नहीं रहती हम राइटिंग या लैंग्वेज को हम अलग अलग वे में यूज करते हैं तो स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए अलग अलग वो लोग फील्ड्स यूज कर रहे थे बट द लेगेसी कंटिन्यूज

हर फादर्स मैगजीन जो उनके फादर तमिल में और इंग्लिश में मैगजीन लिखते थे वो उनके फैन थी और साथ में एक बहुत अच्छी बात कही गई थी कि शी वॉज अ डो आइड ब्यूटी है ना और साथ ही साथ वो क्या करती थी पहले टीचर रह चुकी थी ओके नौ वॉट अबाउट द फादर फादर जो थे फादर वॉज वेरी केयरिंग वेरी हार्ड वर्किंग एंड ही वर्क सो हार्ड टू रेज हिज फैमिली एंड फॉलो हिज पैशन ऑल्सो ही वॉज अ वेरी हैंसम मैन जैसे कि एक उसमें दिया भी गया है एक uh, में बताया भी गया है कि हिज हैंड राइटिंग वॉज सो ब्यूटिफुल एंड ही रोट सो ब्यूटिफुली की सारे जो एक्सप्रेशंस हैं वो सामने आते थे उसके बाद सेल्फ के बारे में जब बात आती है तो शी इज़ ऑल्सो पैशनेट राइटर एंड एन एंथुसियास्टिक पर्सन और जब उनकी सिस्टर के बारे में बात करते हैं तो वो जो सिस्टर है उनकी जो छोटी सिस्टर थी यंगर सिस्टर थी अनुराधा आई थिंक उनका नाम था तो वो एक पैशनेट राइटर भी थी और वो क्या थी एक मार्केटिंग रिसर्चर भी बनी थी आगे उनकी फैमिली कंडीशन पे बात करते हैं तो अब देखते हैं उनकी फैमिली कंडीशन कैसी थी तो पहले होम की बात करते हैं सो एज वी ऑल नो दे आर हैविंग अ मॉडेस्ट होम विथ वाइट वॉश्ड वॉल्स एंड ग्रीन विंडोज एंड बिग गार्डन अराउंड विच इज लाइक इनवाइटिंग विच इज़ हैविंग एन इन्वाइटिंग पोर्च ऑल्सो तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो होम था बहुत लग्जूरियस नहीं था बट एक एवरेज लोगों के लिए या मिडिल क्लास फैमिली के जैसा ही था जो कि प्रॉपरली वाइट वॉश था और साथ ही साथ उनकी विंडोज़ जो ग्रीन कलर के पेंटेड थे और साथ में एक गार्डन था जहाँ पे खूबसूरत था सा पोर्च था जो कि इनवाइट करता था लोगों को एंटर करने के लिए अब उनकी लाइफस्टाइल को देखेंगे तो उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी नहीं थी जैसे कि मैंने आपको बताया कि दे हैव रेंटेड हाफ ऑफ द पोर्शन टू मिट देयर एंड नीड्स तो मंथ की एंड नीड्स को मिट करने के लिए वो लोग क्या करते थे रेंट कर दिए थे तो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल हम नहीं कह सकते हैं पैशन जो था कि राइट फ्रॉम द फादर टू द यंगस्ट डॉटर एवरी वन हैड पैशन फॉर राइटिंग एंड रीडिंग मतलब सारे के सारे जो है स्क्रिप्ट राइटिंग को लेकर के और रीडिंग वर्क को लेकर के पैशनेटेड थे नाउ वी आर हैविंग अ फिल इन द ब्लैंक अब देखते हैं कि उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं एज यू कैन सी देर आर फ्यू is इन योर ट्रीटमेंट पैशन एक्सक्लूसिव जो क्वेश्चन दिया है उसमें आपको इन वर्ड्स का प्रॉपरली यूज करना है आइए सेंटेंसेस रीड करते हैं और ब्लैंक स्पेस में विल फिल द हेल्पिंग वर्ड्स, राइट सो राघव हु writer ragayappe went up to the attic with his daughter to sit and discuss the treatment of the newly written script for a hindi movie he had a great passion for acting he used to regale his daughter with tales about the film shoots he told her how once a big hit eluded him the

क्रिकेट ब्लॉग होगा और डो वाइट ब्यूटीज होगा आप क्वेश्चन में देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग दिया है आपको इन आंसर्स को यूज करना एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑल दीज वर्ड्स ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन होप यू अंडरस्टैंड द लेसन एंड वी विल मीट अगेन इन अनदर लेसन केयर गुड बाय